Hello everyone, welcome to Banking Study Quest. And first of all, I would like to say happy Holi to you all. And सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि जो आपका ये SBI से रिलेटेड बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, कि आपका मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ सेंटर्स बुक हो चुके हैं, ऐसे थिंग्स लाइक दैट. तो आपके लिए अगर ये र्यूमर भी है, सही हो या गलत हो, आपके लिए बेनिफिशियल ही है. आप इसको इस तरह से देखो. क्यों देखो वो भी मैं बताती हूँ, कि क्योंकि आपको अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले. अगर ये डेट पे एग्ज़ाम होती है तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं होती है तो कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो जाएगा. सो जो मैं डेली टारगेट्स दे रही हूँ, आप अगर चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना खुद का टारगेट्स बनाओ एंड खुद ही कंप्लीट करो. दैट्स अगेन अ गुड थिंग. एंड आप इसको अच्छे से फॉलो करो. अगर आप करते हो टारगेट फॉलो, तो एक बंदे का करो और रिलीजियसली करो. ओके, किसी का भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप करो, जिसका भी करो, एक का करो और रिलीजियसली फॉलो करो. दैट्स इट. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपको थोड़ी थोड़ी ही सही एटलीस्ट आज भी पढ़नी है. आज तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन खेलोगे, खेली आराम से थोड़ा पढ़ाई करो. ओके, एंड कल की जो है आपकी, तो आप मॉर्निंग उठ के एटलीस्ट 2 घंटे GK वगैरह रिवाइज कर लेना, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जिसको आप रिवाइज करते रहो और जो डेली बेसिस पे वाला है वो आप कंप्लीट करते रहो, वो इम्पॉर्टेंट है. दैट्स इट, आपको वो करते रहना है. एंड बाकी होली की मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं है. एंड हैप्पी होली वंस अगेन. थैंक यू. अगर आपको ये बातें जेन्युइन लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर.